इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मोबाइल है। तो इस मोबाइल में हम वाईफाई को इनेबल करते हैं, ओपन करते हैं। तो जैसे कि इसको हम इस तरीके से नीचे करके और यहाँ पे हम जाते हैं, हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं। और जब हम यहाँ पे हॉटस्पॉट को ओपन कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारा यहाँ पे हॉटस्पॉट ओपन होते ही यहाँ पे हमें वाईफाई हमें अपने कंप्यूटर में शो करने लगेगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपने वाईफाई को यहाँ पे इनेबल करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस एरो पे हम जाते हैं और एरो पे जाने के बाद वाईफाई को यहाँ से इस तरीके से इनेबल करते हैं। जैसे हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है SNS। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, जो भी हमारा वाईफाई अवेलेबल है वो यहाँ पे हमें शो करता है। इसके बाद अब हम इस पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप पहले से पासवर्ड इंटर किए हुए हैं तो यहाँ पे ऑटो कनेक्ट ले लेगा, नहीं तो अगर आप इसमें पासवर्ड नहीं इंटर किए हुए हैं तो फिर यहाँ पे नहीं लेगा। तो हम चलते हैं इसके पासवर्ड को हम फॉरगेट करके फिर से हम कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तो हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पासवर्ड को हम यहाँ से रिमूव करके फिर से हम कनेक्ट करें। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बैक आते हैं हम और फिर से बैक आते हैं और हम जाते हैं अपने वाईफाई पे और राइट क्लिक करके गो टू सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे हमारा वाईफाई ऑटो कनेक्ट है, देख सकते हैं। तो फिर से हम जाते हैं यहाँ पे और इसको हम फॉरगेट, ये हमारी फॉरगेट यहाँ पे हम कर देते हैं। इसके बाद हम जब फिर से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे हम, तो हमसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है, ये देखिए। तो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 8 9 हमारा पासवर्ड है। इसके बाद हम जाते हैं कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो यही तरीका है अपने लैपटॉप में वाईफाई को कनेक्ट करने का। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।